भारत के सभी राज्यों की खबर, खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की ओर। बता दें कि महाराष्ट्र के भंडारा जिले की खबर SNS टीम ने और न्यूज फ्लेम की टीम ने लगातार रेती माफियाओं के खिलाफ खबर चलाती रही, लेकिन रेती माफिया है कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। भंडारा जिले में मोहाड़ी तहसील अंतर्गत रेती माफियाओं की इतनी बड़ी दबंगई कि सीधे घाटों से रेती निकाले जा रहे हैं, जिस पर सरकारी विभागों ने पूरी तरीके से रेती पे रोक लगाया है, उसके बाद भी रेती माफियाओं पर कोई असर नहीं दिख रहा है। जहां पर SNS टीम पहुंची तो उन्होंने देखा कि रास्ते में रेती को डंप करके रखा जा रहा है और दिनों रात घाटों से रेती ट्रैक्टर लगाकर निकाली जा रही है, जिस पे महसूल डिपार्टमेंट से लेके पुलिस विभाग के ऊपर बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है, जो कि 2013 में ही सत्ता बदलने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने एक टीम बनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि RTO से लेकर पुलिस प्रशासन और महसूल विभाग, इन तीनों विभागों से कोई भी विभाग रेती तस्करी को रोक सकता है, लेकिन ऐसा आज 2023 हो गया, कोई भी कार्रवाई नहीं दिख रही है। जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भी SNS टीवी से बयान दिया था कि इन पे जांच की जा रही है, लेकिन आज तक जांच का असर नहीं दिख रहा है। अनुरुद्ध नामक व्यक्ति के नाम से एलाट घाट, जो दो घाट मोहाड़ी तहसील अंतर्गत आते हैं, जहां पर बताया गया कि रेती तस्करी बंद है, लेकिन उसके बाद भी उन्हीं घाटों से लगातार रेती निकाली जा रही है और अवैध तस्करी की जा रही है। तो अब देखना यह है कि क्या महसूल डिपार्टमेंट और प्रशासनिक विभाग जागता है। लोगों का कहना यह था कि रोड पे रेती बहुत ही तेजी से ट्रैक्टरों से ले जाया जाता है, जिससे रोड पे रेती गिरने के कारण से कई ऐसी दुर्घटनाएं रोजाना होती है, जिसमें दोपहिया वाहन चालक गिरते हैं, रेती हवा में उड़ती है, जो आंखों में जाने से बड़ी दुर्घटनाएं होती रही हैं। तो आइए दिखाते हैं सैयद जाफरी की यह। नमस्कार, SNN न्यूज चैनल से सैयद जाफरी। आज महाराष्ट्र के भंडारा में गवर्नमेंट ने 9 घाट इशू किया है, जिसमें सभी घाट अभी बंद है, और लेकिन बंद होने के बाद भी यहाँ रेती तस्करी खुले आम चल रहा, और गाड़ी और ट्रक और ट्रैक्टर कंटिन्यू चल रहा। मैं बताने चाह रहा हूँ कि इधर देख ले कितने रेती यहाँ तस्करी हो रहा है, और जबकि रेती बंद है, अभी जो 9 घाट दिया उसमें बंद किया हुआ गया है, अभी ऑर्डर नहीं है, उसके बाद भी गाड़ियों से भर भर के चोरी का जा रहा है और गवर्नमेंट के लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा रहा है। SNN न्यूज चैनल से मैं सैयद जाफरी।